Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current MCQ of 19th December, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था, Who win third edition of रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020? किसने जीता है थर्ड एडिशन जो था रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 का, उसको आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज कमल झा, ऑप्शन बी वासुदेव मोही, ऑप्शन सी रिचर्ड पावर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजकमल झा. राजकमल झा जो कि इंडियन ऑथर और चीफ एडिटर भी है इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने जीता है थर्ड एडिशन रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 का अपने लिटरेरी फिक्शन नॉवल द सिटी एंड द सी के लिए. ये राजकमल झा का फिफ्थ नॉवल है, वो जो है मैजेस्टी सुल्तान कबूज बिन सैद अल सैद, लेट सुल्तान ऑफ ओमन एंड द पीपल ऑफ ओमन एंड संदीप स्पोकर, जो कि एक रिनोन डांसर कोरियोग्राफर है इंडिया के, उनका नाम विनर ऑफ टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट है 2020 का. अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे. रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज एंड सोशल अचीवमेंट प्राइज, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में. चेयर ऑफ द अवार्डिंग कमिटी और फाउंडर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जो है पीटर बुंडालो है. वासुदेव मोहित जो आपका ऑप्शन था, उनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक है चेकबुक, और रिचर्ड पावर, उनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का नाम है द ओवर स्टोरी. नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 19 दिसंबर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज, हम 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं. आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल मेंस डे, ऑप्शन बी गोवा लिबरेशन डे, ऑप्शन सी नेशनल एलजीबीटी सेंटर अवेयरनेस डे यूएसए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा लिबरेशन डे. गोवा लिबरेशन डे जो कि एक स्टेट वाइज रीजनल पब्लिक हॉलीडे है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है गोवा पे इंडिया में. ये ऑलवेज सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन लिबरेशन हुआ था गोवा पोर्टुगीज कंट्रोल से 1961 पे. अब जो आपका ऑप्शन था इंटरनेशनल मेंस डे, ये 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल एलजीबीटी सेंटर अवेयरनेस डे यूएसए का ये 19 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, रिसेंटली हु लॉन्च है 3-in-1 अकाउंट सेविंग प्लस ट्रेडिंग प्लस डीमेट. अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है 3-in-1 अकाउंट सेविंग ट्रेडिंग एंड डीमेट. आपके ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी बीएसई, ऑप्शन सी निफ्टी 50, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL ने लॉन्च किया है 3-in-1 अकाउंट जो कि ट्रिपेटाइट अकाउंट है, जो कि कंप्राइज करता है सेविंग ट्रेडिंग एंड डीमेंट अकाउंट अपने कस्टमर के लिए. ये जो अकाउंट है वो इनेबल करता है अपने कस्टमर को कि वो होल्ड कर सकते अपने बैंक को और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को एक ही अम्ब्रेला के अंदर. इस अकाउंट को लॉन्च किया गया था ताकि वाइडन किया जा सके बैंक के प्रोडक्ट ऑफरिंग को. इस अकाउंट के बारे में हम थोड़ा जान ले, ये अकाउंट सिंगल प्लेटफॉर्म, कस्टमर जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज करते हुए सिंगल प्लेटफॉर्म का. बैंक प्रोवाइड करेगा ब्रोकरेज और डीमैट सर्विसेज अपने रिफरल अरेंजमेंट्स के द्वारा, जिसमें ब्रोकरेज फर्म जो होंगे ट्रेडिंग और डिपॉजिटरी सर्विस के तौर पर काम करेंगे. फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा इस अकाउंट के द्वारा वो इंक्लूड करेगा डायरेक्ट इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नेशनल पेंशन स्कीम और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL, इसके MD और जो CEO है वसुदेवन पठानी नरसिम्हन है. हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु पे है, और इसने अपना बिजनेस कमेंस किया था September 5, 2016 से. सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटर है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का इंडिया पे, जिसको कि ऑन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, और स्टेटूटरी पावर दिया गया था 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा. इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है. BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से हम इसको पहले जानते थे. ये इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लोकेटेड है मुंबई पे. इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1875 में. ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और BSE जो है वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में आता है. इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन है, और MD CEO आशीष कुमार चौहान. निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक है जो कि मार्केट किया गया है इंडेक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेटेज एवरेज 50 जो लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द 26th एडिशन ऑफ DSTCII टेक्नोलॉजी समिट विच वॉज हेल्थ वर्चुअली, विच कंट्री वॉज द पार्टनर फॉर 2020 एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी समिट. जो 26th एडिशन हुआ है GSTCII टेक्नोलॉजी समिट का, जो कि वर्चुअली हुआ था, इसमें कौन सा कंट्री पार्टनर था 2020 के एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी समिट का. आपका ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी पोर्टुगल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोर्टुगल.
जो 26 एडिशन था डीएसटी सीआईआई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी समिट जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। पोर्टुगल पार्टनर था 2020 के एडिशन का टेक्नोलॉजी समिट का। ये जो मीटिंग था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था डीएसटी सीआईआई के द्वारा। मैनुअल हेटर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन पोर्टुगल के जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस समिट के। और डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनोग्रेट किया था इंडिया की तरफ से इस इवेंट को। पोर्टुगल साइड से जो फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पोर्टुगल जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे ऑर्गेनाइज करने के लिए इस इवेंट को। ये जो सेक्टर था वो डिस्कस कर रहा था इस समिट में वाटर टेक, एग्री टेक, हेल्थ टेक, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन टेक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस ओशियन इंटरसेक्शन, इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई, इसके प्रेसिडेंट उदय कोटक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा है, कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो। जापान के पीएम योशीहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इसराइली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 17 इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कॉपरेशन इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हेल्ड वर्चुअली, हु चेयर्ड इट फ्रॉम इंडिया साइड। जो आपका 17 इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था साउथ साउथ कॉपरेशन का पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो कि वर्चुअली हुआ है उसको किसने चेयर किया इंडिया के तरफ से? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन। जो 17 इंटरनेशनल इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था साउथ साउथ कॉपरेशन का पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर जिसका टाइटल था नैरोबी कमिटमेंट एंड द 2030 एजेंडा टेकिंग स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड 19 क्राइसिस जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। जो मिनिस्ट्रियल सेशन था उसको हेल्ड किया गया था प्रमोशन साउथ साउथ कॉपरेशन फॉर अटेंडिंग नैरोबी कमिटमेंट एंड द एजेंडा 2030 जिसको चेयर किया गया था डॉक्टर फैसल सुल्तान के द्वारा। जो फेडरल मिनिस्टर थे नेशनल साइंस सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ये जो कॉन्फ्रेंस था उसको को स्पॉन्सर किया गया था पार्टनर इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पीपीडी और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना भी थे उसमें। इस सेशन में जो था की एड्रेस किया गया था जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड और आउटस्टैंडिंग लीडर थे हेल्थ और पॉपुलेशन डेवलपमेंट के। इंडियन साइड को रिप्रेजेंट किया गया था यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है। और वाइस चेयर किया गया था पीपीडी बोर्ड के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो इसके जो आपका डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आपका ऑप्शन था ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पार्टनर इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पीपीडी इसके जो चेयर पीपीडी बोर्ड के हैं एचई डॉक्टर लिया बीन है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनपीएफ इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नतालिया कानेम है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू बीएनईएफ 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे विच कंट्री ग्रैब्ड द टॉप स्पॉट। जो बीएनईएफ 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे था उसमें कौन सा कंट्री ने ग्रैब किया टॉप स्पॉट? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चिली। जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट स्कोप सर्वे इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020 एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि रिलीज किया गया था ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा इंडिया में, इसका इंडिया का स्कोर था 2.61 और इंडिया सेकंड पोजीशन में था 2020 के सर्वे पे। ये जो सर्वे है उसमें टॉप किया गया है चिली के द्वारा जिसका स्कोर 2.85 था, इंडिया सेकंड पोजीशन पे था 2.61 स्कोर के साथ और ब्राजील थर्ड पोजीशन पे था 2.4 स्कोर के साथ। चाइना मेनलैंड और इंडिया जो था वो बिगेस्ट मार्केट है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए। बीएनईएफ ने सर्वे किया मोर देन 108 इमर्जिंग मार्केट को पहली बार और 29 डेवलपमेंट नेशन जो थे क्लाइमेट सर्वे स्कोप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किए थे। ये नाइन्थ ईयर है क्लाइमेट स्कोप प्रोजेक्ट का और इंडिया जो है वो टॉप किया है बीएनईएफ क्लाइमेट स्कोप इमर्जिंग मार्केट रैंकिंग में 2019 पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड बीएनईएफ इसके डायरेक्टर विलियम यंग है, ये लोकेटेड है लंदन यूके पे। चिली की प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा है, कैपिटल सेंटियागो है, करेंसी चिलियन पेसो है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। ब्राजील का प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो है, कैपिटल ब्रासिला, करेंसी ब्राजीलियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू एड्रेस द 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ट्रफ 2020, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय होम। जो स्पोर्ट मिनिस्टर थे किरण रिजिजू उन्होंने एड्रेस किया 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ट्रफ 2020 को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था किनके द्वारा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आईसीएआर, ऑप्शन बी यूएनसीटीएडी, ऑप्शन सी फिक्की,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिक्की। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वर्चुअली एड्रेस किया है 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ट्रफ 2020 को, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा। इस ओकेशन पर मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया था कि वो एस्टेब्लिश करेंगे 1000 खेलो इंडियन स्मॉल सेंटर को कंट्री पे। इंडिया पहला वर्चुअल ग्लोबल स्पोर्ट ऑफ फिटनेस एक्टिविशन साथ लाएगा टुगेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर के लिए, सेलर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जो डेवलपिंग होगा 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर अक्रॉस द कंट्री, वो मदद करेगा रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन को कि वो इम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और रोल प्ले करेंगे अपना सेव करने में स्पोर्ट्स कल्चर को कंट्री पे। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्रिएट किया गया था ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी के जॉइंटली जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1927 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट जो थे इसके इलेक्टेड उदय शंकर है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किरण रिजिजू है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ये एपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है, मैनेज करता है रिसर्च को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर के फील्ड पे पूरे कंट्री पे अंडर द एजिस ऑफ JR मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके डायरेक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा है। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 पे एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पे। UNCTAD जो है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का जो कि डील करता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। इसके हेड है मुकिशा किटयुई। इसको फाउंड किया गया था 30 दिसंबर 1964 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन US इंटरप्रेन्योर टाइग ग्लोबल समिट 2020 हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम हैदराबाद हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड दी TGS 2020। जो इन US इंटरप्रेन्योर TI ग्लोबल समिट था 2020 का जो कि वर्चुअली हुआ हैदराबाद पे, किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया TGS 2020 समिट को? आपके ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्चुअल इंटरप्रेन्योर समिट था इन US इंटरप्रेन्योर TIE ग्लोबल समिट 2020 का जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको होस्ट किया गया था TIE हैदराबाद के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया TGS 2020 समिट को। थीम जो है आपका TGS 2020 समिट का इंटरप्रेन्योरशिप 360 है। ये जो समिट है वो फोकस कर रहा है इश्यू पे जो कि फेस किया जा रहा है इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, फंडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा पीच कर रहा है जो टैक्टिक्स है जो कि मदद करेगा स्टार्टअप को। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने स्टेट किया था कि इंडिया जो है वो इंक्रीज करेगा MSME के कंट्रीब्यूशन को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया के 50% तक फ्रॉम करेंट 30% से। इस समिट में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है वो एडवांस स्टेज में लॉन्च करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी को, और TIE लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था वो अवार्ड किया गया 3 पर्सनैलिटीज को, कौन कौन? बिल गेट, FC कोहली और बिल मैरियट। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो इन द US इंटरप्रेन्योर TIE के चेयरमैन महावीर प्रताप शर्मा है। TIE के 60 चैप्टर ऑफिसर्स है 17 कंट्रीज पे। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और रमेश पोखरियाल निशंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द फोर्थ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 हेल्ड वर्चुअली इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई होम। जो फोर्थ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का था जो कि वर्चुअली हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोट ANB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ANB। जो फोर्थ एडिशन था लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम का साउथ एशिया पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया COVID-19 को देखते हुए, इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के द्वारा ऑन द थीम इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट आई सिक्योर आई सस्टेनेबल। जो प्राइम स्पॉन्सर थे कॉन्फ्रेंस के वो डेल टेक्नोलॉजी, रिबन कम्युनिकेशन और रेड हैट थे। BSNL ने पार्टनरशिप किया है स्काइलो के साथ ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क को इंडिया पे। वोडाफोन आइडिया CSR आर्म जो है नोकिया टीम अप किया है स्मार्ट एग्री सॉल्यूशन नोकिया किकॉप प्रोडक्शन के लिए 5G इक्विपमेंट इंडिया पे। जियो लॉन्च करेगा 5G सर्विस को सेकेंड हाफ में 2021 के, और रिटेल ऑटो होल हाईएस्ट पोटेंशियल 5G एस ऑप्शन रिपोर्ट डेट होता 3 IMC कल्मिनेट का था। अब सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और चेयरमैन अजय पुरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु नोटिफाइड द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किसने नोटिफाई किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनबीएफसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को, जो कि प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ये जो सिलेक्शन होगा प्राइवेट कंपनी का, वो किया जाएगा ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के द्वारा। इसका मकसद है कि यह असिस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इंडिया पे थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। फंड जो है इसके लिए सैंक्शन किया गया है अपटू ₹200 करोड़, जो कि सैंक्शन किया जाएगा इम्पावर कमिटी, जिसको हेड कर रहा है इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी श्री तरुण बजल। ओवर ₹200 करोड़ जो है वो अप्रूव किया गया है इम्पावर कमिटी विद फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है निर्मला सीतारमन, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे है। यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो था रिलीज किया जाता है एनुअली 1 फरवरी को। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई पे है। गवर्नर इसके प्रेजेंट शक्तिकांत दास है। आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फुल बैंकिंग लाइसेंस जिसके पास नहीं है, ना ही ये सुपरवाइज है नेशनली और इंटरनेशनली बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ISA हु टाई अप टू बूस्ट एनर्जी स्टोरेज इनोवेशन इन इंडिया। ISA और किसने टाई अप किया है ताकि वो बूस्ट कर सके एनर्जी स्टोरेज इनोवेशन का इंडिया पे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इरिडा, ऑप्शन बी यूनिडो, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूनिडो। इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस जो है और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो ने कोलेबरेट किया है कि वो प्रमोट करेंगे इनोवेशन इन एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया को। ये जो कोलेबरेशन है वो किया जाएगा ऑन द लॉन्च ऑफ 4th राउंड ऑफ इनोवेशन चैलेंज बाय यूनिडो फैसिलिटी ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि वो सपोर्ट कर सके और इनकरेज कर सके न्यू इनोवेशन को इंडिया एनर्जी स्टोरेज पे और इमोबिलिटी स्पेस पे। ISA जो है वो एक्ट करा एक सपोर्टिंग पार्टनर के तौर पे इनोवेटिव चैलेंज के लिए। ये जो है ग्रांट किया गया इसके लिए $50,000 विनिंग टेक्नोलॉजी को और रिकॉग्नाइज किया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यूनिडो और ISA के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ISA ये इंडिया का लीडिंग अलायंस है एनर्जी स्टोरेज और ई मोबिलिटी सेक्टर पे। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवी प्रसाद दास है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो इसके मेंबर 170 है जो अप्रैल 2019 में। डायरेक्टर जनरल इसके लेल योंग है। हेडक्वार्टर इसका वेना ऑस्ट्रिया पे है। इरिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11 मार्च 1987 में पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के तौर पे अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। ये प्रमोट करता है, डेवलप करता है, एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इफिशियंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका मकसद है कि ये प्रमोट करे वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा एजुकेशन साइंस कल्चर के फील्ड पे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके हेड ऑड्रे अजोले है। यूनेस्को का फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। विच यूनियन टेरिटरी बिकम इंडिया फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी? कौन सा यूनियन टेरिटरी इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। Thank you and have a nice day.